Hi, my gorgeous people. I hope everyone is doing absolutely great. So, आज है डे टू शॉपिंग का और मैं जा रही हूँ लहंगा परचेज करने के लिए. तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं और मैंने कल रात से ही सारी चीज़ें मैं देख रही थी कि मुझे किस टाइप का लहंगा चाहिए और बहुत सारे डिज़ाइंस मेरे को समझ में आए हैं. बट क्या होता है ना कई बार कि आपके जैसी एक्सपेक्टेशन होती है आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ नहीं मिल पाती है, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा सा टेंस्ड हूँ. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जैसा मैंने सोच रखा है मैं वैसा ही लहंगा लूँ. और आप लोगों को पता नहीं कि पता है या नहीं पता है, वैसे मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी इस व्लॉग में और सारी चीज़ें दिखाऊंगी मैं जो भी जहाँ पे भी जा रही हूँ और शॉप के नेम भी बता दूंगी सो दैट कभी इन फ्यूचर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हो एंड ईजिली वहाँ से बाय कर सकते हो. ठीक है, सो अभी हम चलते हैं, लेट हो रहे हैं और वीकेंड्स में ही मुझे टाइम मिल पाता है ये सारे काम कर रहे हैं. मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ और बस मुझे शूज़ पहनना बचा है. थोड़ा सा परफ्यूम भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा ही कहने के लिए ही होता है बट होता तो बहुत सारा है तो अच्छा लगता है अपने आप से फ्रेग्रेंस आती है. तो मैं हो चुकी एकदम तैयार और थोड़ा सा मुंह में भी चला गया. सो चलते हैं. मैं बस कुछ भूल ही ना हूँ वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को. तो वैसे तो कुछ खास लेना नहीं है, पहना है नीचे ब्लू डेनिम विद वाइट शूज एंड ब्लैक टॉप. कैसा लग रहा है बताइएगा. वैसे मैं पहले भी पहन चुकी हूँ ये बट पता नहीं आप लोगों ने व्लॉग में देखा है कि नहीं. तो बस अभी चल कम चुके हैं नोएडा सेक्टर 18 और पहले मुझे पानी पीना था क्योंकि बहुत ज़ोरों की मुझे प्यास लग रही थी. सोचिए अभी नवंबर आ चुका है बट स्टिल गर्मी ही नहीं जा रही है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छी वाइब्स आ रही थी. मेरे को मार्केट आना वैसे बहुत पसंद है लेकिन इतनी भीड़ भाड़ जब होती है ना तो इरीटेशन भी हो जाती है कई बार. और यहाँ पर मेरे को ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी दिख रही थी, वो भी मैंने देखा. और जूती तो बहुत ही प्रिटी प्रिटी थी. ये मेरे को पता है कि ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्वालिटी वाइज लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगी तो मैंने ये ले ली, चलो एक ही बार पहनने में आ जाए. और यहाँ पे मैं आई हूँ शिवानी सारीज़ पे. ये नोएडा सेक्टर 18 में मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है और यहीं से देखते हैं. नोएडा सेक्टर 18 में देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ पसंद आता है तो. से हमने पसंद कर लिया है लहंगा, अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह और हालत हो चुकी एकदम खराब और इसमें जूती. अब हम जा रहे हैं दूसरे शॉप की तरफ, नोएडा सेक्टर 18 में ही है, वहाँ पे पूरा मेंस वेयर मिलता है. तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे एंड देन हम उस शॉप पे बस एकदम से नज़र पड़ी और हम आ गए यहाँ पे. जिसकी इंगेजमेंट है उनके लिए यहाँ पे सूट ले रहे हैं तो वो ट्राई कर रहे थे. आप लोग भी देख के बताइएगा कि आपको इन सब में से कौन सा बेस्ट लगा. और शॉप का नाम भी मैं आगे ही दिखा दूँगी, अगर आप लोग को भी परचेस करना है वहाँ से तो आप भी वहाँ से ले सकते हो. और ये था शॉप का नाम, ये नाम है बत्रा गारमेंट्स नोएडा सेक्टर 18 में. फिर यहाँ पे हम कुछ ज्वेलरी देखने लग गए थे और साथ ही में मैंने सोडा भी बनवाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही थी. तो बस यहाँ पे ये सब शॉपिंग वगैरह करते करते यार थक तो जाता ही है इंसान और मुझे ज़ोरों की भूख भी लग रही थी. तो फिर मैंने सोचा कि चलो वहीं से ही हम डोसा बनवा लेते हैं. मसाला डोसा लिया था और बहुत ही स्वाद डोसा था तो मेरे को बहुत ही यम लगा ये डोसा. तो हमने भर पेट खाया. उसके बाद हम फिर एक और शॉप पे गए कॉस्मेटिक की, जहाँ से हमने एक दो नेल पेंट वगैरह लेनी थी और मेरी फ्रेंड को भी नेल पेंट लेनी थी तो वहाँ चले गए थे हम. और उसके बाद हम आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं, सो स्टे ट्यून्ड. वैसे भी आप लोगों को इतना ज़्यादा इंतज़ार करा दिया है कि किस चीज़ की शॉपिंग चल रही है क्योंकि आप लोगों ने सारी तैयारियाँ तो देख ली हैं. तो मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ कि किस चीज़ की तैयारियाँ चल रही हैं. तो अपना दिल थाम के बैठिए क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा झटका लगने वाला है.
आई नो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, बट येस आई एम गेटिंग एंगेज्ड, सो ये उसी की शॉपिंग चल रही है। तो आज मैं फिर से शॉपिंग के लिए जा रही हूँ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें अभी भी बच रही हैं और अभी वी डोंट हैव मच टाइम, तो इसीलिए आई एम अगेन गोइंग टू नोएडा सेक्टर 18 मार्केट, क्योंकि वहाँ से भी मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो अभी लेनी हैं, तो मैं बस उसी के लिए जा रही हूँ। और यही था आप लोगों के लिए सरप्राइज़, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा सुन करके, और जिस जिसको ये शॉकिंग लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और मैं आप लोगों से कमेंट में बात करूँगी। और बहुत ही जल्द आई एम प्लानिंग टू कम लाइव ऑल्सो, सो दैट जो भी आप लोग के इतने सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं, सो आई एम गोना गिव यू द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस एंड या सो बस आप लोग बहुत सारा जो है वो प्यार दीजिएगा और मैं डेली अपने व्लॉग्स अपलोड करूँगी, जो भी तैयारियाँ चल रही हैं आगे क्या क्या होने वाला है और सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, तो बिल्कुल आप लोगों को एक भी वीडियो मिस नहीं करना है और अपना प्यार बहुत ढेर सारा मुझे देते रहिएगा, सो दैट मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोग को दिखाऊँ। सो यस अभी चलते हैं मार्केट और बहुत सारी बातें हो गई है, पहले मार्केट का काम निपटाते हैं फिर बाकी की हम बातें करते हैं। मुझे लेनी थी बैंगल्स अपनी साड़ी के लिए और यहाँ पे मैं सैंडल्स भी लेनी थी, तो मैं वहाँ पे भी आ गई थी शॉप पे। अभी हम आए हैं आंटी मोमोज पे और यहाँ के मोमोज मेरे को बहुत टेस्टी लगते हैं, तो बस अभी फिनिश करके फिर घर पे चलते हैं। सो गाइस फाइनली आई एम डन विद माय शॉपिंग और ये आज लास्ट डे था शॉपिंग का, सो सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही ली हैं, जो एक दो चीज़ें और बच रही हैं वो एक नॉर्मल लोकल मार्केट में जाके भी हो जाएंगी। सो नेक्स्ट डे मैं जाने वाली हूँ नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए, सो मैं वो सारी चीज़ें करवा के ही जाऊँगी घर, क्योंकि वहाँ जा कर के तो मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि मैं कुछ भी करवाऊँ, तो जो भी मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं यहीं से कंप्लीट करके जाऊँगी एंड जो घर के जाने के बाद वाले काम हैं वो तो अलग हैं। सो आज के लिए इतना ही, जो भी मैं सामान लेकर के आई हूँ मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाती रहूँ। आज मैंने ऐसा सच कुछ खास नहीं लिया है, बस मैंने अपनी सैंडल्स ली हैं और साथ में कुछ नॉर्मल ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स लिए हैं, बैंगल्स भी लिया है, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ जो भी मैंने सामान लिया हुआ है और आप लोग अंदाज़ा लगाते रहिए कि क्या ये पहनने वाली है। तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने वाली हूँ, बट जो भी है वो आप लोग को मैं दिखा देती हूँ। और आप लोग ये सारी वीडियोस अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे बताना और बहुत ढेर सारे कमेंट्स करना अच्छे अच्छे सो और अगर कुछ कमी भी लग रही है ना तो भी बता देना, वैसे मुझे फीडबैक पसंद है। सो यस मैं आप लोग को दिखा देती हूँ और आप लोग देख लो, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। ये फर्स्ट चीज़ मैंने ली है वो है सैंडल्स, तो यहाँ पर ये रहे सैंडल्स। ये हैं सैंडल्स, सो ये कुछ कुछ मैच करते हैं मेरे आउटफिट से, तो मैंने इसलिए ऐसा लिया है। वैसे मैंने कभी ऐसे पहने नहीं हैं बट इस बार मुझे पहनना पड़ रहा है, थोड़ा पार्टी वियर लुक होना भी चाहिए, सो इसीलिए मैंने बस ये ले लिए हैं, एक ही बार पहनने में आएंगे ये मुझे लगता है। और ये बैंगल्स रहे, बैंगल्स भी मैं नहीं पहनती हूँ, तो ये रहे बैंगल्स। सो ये है वायलेट कलर के एंड इसमें मैंने बस गोल्डन कलर की बैंगल्स और ऐड ऑन करवा दिया, बाकी मम्मा के पास में अगर कुछ कड़े होंगे घर जाके तो वो मैं अलग से इसमें एडिशनली ऐड करवा दूंगी हाँ साइड साइड में। सो आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, वैसे मुझे बैंगल्स का कोई आइडिया नहीं है और जो भी था मैंने करवा लिया और
बाकी और चीज़ें मैं दिखा देती हूँ और क्या लेके आई हूँ। तो मैं ये भी लेकर के आई हूँ, सब्ज़ी लेकर के आई थी, कॉर्न एंड दिस अनियन लेमन, क्योंकि मेरे को बनाने हैं क्रिस्पी ये कॉर्न चाट और ये कोरिएंडर। और एक और चीज़ लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये है LA 18 की ये वाला नेल कलर, नेल पेंट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा ख़त्म हो गया था तो फिर मेरे को दिख गया तो मैंने इसलिए ले लिया था। और बाकी इसमें एक चीज़ और भी है, ये आप लोगों को झुमके दिखाती हूँ मैं। यार दीज आर वेरी प्रिटी झुमकास, मतलब मेरे को दिखे हैं ना, मैंने भैया को बोला बस आप दे दो मेरे को। मैंने प्राइस भी बाद में पूछा था जब मैंने ले लिया, मतलब मेरे को पसंद आ गया तब मैंने उनको बोला। सो लुक एट दीज झुमकास, मतलब कितने प्रिटी हैं यार, है ना। सो ये यहाँ पे मैंने लिया था, इट वॉज अराउंड 100 रुपीज़, नोएडा Sector 18 के मार्केट से लिया था मैंने ये। सो मैंने सोचा दिवाली पे पहनने में भी आ जाएगा, एंड वैसे भी इसका डिज़ाइन बड़ा सुंदर सा लगा, तो मैंने ये सारी चीज़ें आज ली है। और ऑलमोस्ट मेरी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, बाकी जो भी रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और आज की वीडियो को हम बस यहीं एंड करते हैं, और बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए भी आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि बहुत ढेर सारी नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाली हैं, एंड आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो ये सब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल।